डिजिटल प्रोडक्ट्स हर जगह पे आज के टाइम पे एक ही चीज चल रही है, वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। काफी लोग इसके ऊपर चैलेंज ले रहे हैं कि हम डिजिटल प्रोडक्ट के 24 घंटे में कैसे जो है डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, कैसे प्रॉफिट कर पाएंगे। और हमने भी एक चैलेंज लिया था 10 डेज का, जिसमें हमने डिजिटल प्रोडक्ट को प्रॉपरली प्रॉफिटेबल होकर दिखाया भी था, सब कुछ आपके सामने रिवील किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं आप। अब हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को आखिर में बनाया कैसे जाता है, बनाया कह जाने के साथ साथ उसे वेबसाइट में डालना कैसे है, ऑटोमेशन में कैसे करना है, ये बहुत एक लंबा कोर्स होने वाला है। तो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है। ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है, ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में मैंने ये सब चीज डाल रखी है, लेकिन ये सब चीजें अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस में जो है डिवाइडेड थी। आज मैं क्या करने वाला हूँ, इन सारे वीडियो को मर्ज करके स्टेप बाय स्टेप क्या वो चीजें बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऑटोमेशन कैसे डालें और किस तरह से इसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में देखना चाहते हो तो इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और कोई स्टेप अगर आपको आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप में आप जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन टाइम स्लॉट डाल दूंगा, आप वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। इस पूरे डिजिटल प्रोडक्ट की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए कैनवा में कैसे हम चीजों को बना सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए हम लोग ऑटोमेशन में कैसे डालेंगे ये चीज मैं आपसे बताने वाला हूं, पिक्सल कैसे कनेक्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी आप फेसबुक एड रन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट मैं आपको हाउ टू फाइंड इंटरेस्ट, मतलब कोई भी इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर, इसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड कैसे करोगे, इसके बारे में हम उससे बात करने वाले। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिजिटल प्रोडक्ट में, सारा एक्सपीरियंस मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में डाल दिया है, आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में ए टू जेड सीखना है तो। आगे और भी काफी सारी वीडियोस आएंगी, बट ये वीडियो आपके लिए एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट कर देगा कि कैसे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है। अपने डिजिटल प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट एड कैसे बनाया, अभी तक ने ऑटोमेशन कर लिया, पिक्सल कनेक्ट कर लिया, वेबसाइट में कनेक्ट कर लिया, अब फर्स्ट एड कैसे बनाए उसके बारे में मैंने बात किया हुआ है, क्या स्ट्रेटेजी लगानी है आपको उसके बारे में मैंने बात किया हुआ है, और पेमेंट गेटवे के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हैं, किस तरह से लैंडिंग पेज आप बनाएंगे, सब कुछ मैंने इस पूरे वीडियो में दे रखा है। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे बता दूं डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है। डिजिटल प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको हम फिजिकली डिलीवर नहीं करते हैं, हम उसको डाउनलोड फॉर्म में उनको जो है शेयर करते हैं, वो डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर वीडियो देखना तो वीडियो देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है डिजिटल प्रोडक्ट में। सबसे पहला वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। काफ़ी लोग हैं जो लाइक रेजर पे में डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, बट मैं ऐसा बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर वेबसाइट है तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा आप इसमें कर पाएंगे, ठीक है। सो वेबसाइट एंड वेबसाइट के अंदर भी आपको चाहिए होता है लैंडिंग पेज, ठीक है। बिना लैंडिंग पेज के आप अगर ज़्यादा सेल करना चाहते हो तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड, एक पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। पेमेंट गेटवे क्या होता है, जहाँ से आप पेमेंट लेंगे, ऑनलाइन पेमेंट लेंगे, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है, इंस्टेंट पेमेंट होता है, पेमेंट करते हैं लोग, हम उनको प्रोडक्ट सेल दे देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो पेमेंट लेने के लिए पेमेंट गेटवे की रिक्वायरमेंट होगी। और थर्ड जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी फेसबुक अकाउंट की, एंड जो फोर्थ रिक्वायरमेंट होगी वो होगी प्रोडक्ट की, ठीक है, कि आपके पास कोई एक प्रोडक्ट होना चाहिए, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कोर्स हो, चाहे वो कोई बंडल हो, कुछ भी तरीके का हो सकता है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट जो फिफ्थ रिक्वायरमेंट होगी वो होगी थोड़ी सी इंटरेस्ट जो हम फेसबुक एड्स में डालेंगे। ये इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, एंड सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में आपके पास थोड़े से बजट होना चाहिए, तभी आप चीज़ें कर पाओगे, वरना बिना पैसे यहाँ पे लगाए आप कैसे अर्न कर पाओगे, है ना। तो कम से कम आपको आपके पास यहाँ पे 2000 का बजट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है चीज़ें यहाँ पे कर पाओगे, कम से कम मिनिमम, ठीक है, इतना होना चाहिए तभी आप चीज़ें कर पाओगे, या वेबसाइट वगैरह बनाओगे वो तो अलग है, ठीक है। सो वेबसाइट में भी आपको जो है लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट होगी। लैंडिंग पेज के बाद कैसे उसको सेटअप करना है, कैसे ऑटोमेशन में डालना है, सब कुछ हम आगे देखेंगे, आगे की जो सीरीज आएगी इसकी, सब कुछ ऑटोमेशन में मैं कैसे बिजनेस को इसको ले जा सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल फ्री होने वाला है, सब्सक्राइब बटन में बिल्कुल फ्री है, दबा सकते हो आप अगर चाहते हो, अगर मन करे तो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लैंडिंग पेज, जो लैंडिंग पेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में
कुछ लैंडिंग पेज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, अगर आप जो है डाउनलोड करना चाहते हैं जाके डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है, कोई पेड चीज़ आपको मैं नहीं दे रहा हूँ। सिंपली आप जाके उनको उन लैंडिंग पेज को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जाइए लैंडिंग पेज का यूज़ करिए और इन्जॉय करिए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी पेमेंट गेटवे की। पेमेंट गेटवे के लिए आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कैश फ्री या फिर रेजर पे, ठीक है। एंड इंस्टा मोजो भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी लोग इंस्टा मोजो यूज़ करते हैं, बट इंस्टा मोजो के साथ थोड़ा सा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, एंड रेजर पे के साथ उसके साथ उससे ज़्यादा, एंड कैश फ्री के साथ अभी सबसे कम रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर आपके पास इन तीनों में से कोई एक है तो काफ़ी अच्छा इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं है तो अभी कुछ देर वेट कर लीजिए, क्योंकि आउटबाउंडिंग बंद है इनके तरफ से, ठीक है, सभी के तरफ से, तो कुछ दिनों में ओपन हो जाएगी, तो आप ओपन करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेसबुक अकाउंट, कम से कम आप 2-3 अकाउंट रखिए, ठीक है। उसका सेफ मेथड जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कैसे आप अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हैं, बिजनेस मैनेजर कैसे सेफ रख सकते हैं, वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो जाइए उस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ आपको उसमें सीखने को मिलेगा, कैसे आप अपने अकाउंट को बैन होने से बचा सकते हैं, और उसको अगर बैन भी हो गया तो कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। सो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो बिना प्रोडक्ट के हम सेल करेंगे क्या? तो आपको फ्रेश प्रोडक्ट होना चाहिए, चाहे वो बंडल हो, चाहे वो वीडियो कोर्स हो, ठीक है। और नहीं भी है कोई बात नहीं, इस पूरे सीरीज़ को फॉलो करो, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट भी दूंगा, एक दो प्रोडक्ट है जो मेरे पास विनिंग प्रोडक्ट रखे हुए हैं, मैं आपको शेयर करूंगा, आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो आएगी सीरीज़ कुछ दिनों के बाद, ठीक है, अभी नहीं आएगी। तो कमेंट सेक्शन में ये बिल्कुल नहीं लिखना कि भाई प्रोडक्ट दिला दो, ठीक है। सो आएगी, क्योंकि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती है, ठीक है। सो इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट भी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ये इंटरेस्ट में आप एड रन कर सकते हैं, और कैसे इंटरेस्ट, नए इंटरेस्ट फाइंड करोगे, ये भी मैं आपको जो है बताऊंगा। देन नेक्स्ट जो मनी है, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा मनी का जो है जुगाड़ करना पड़ेगा आपको, देन तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जीजा प्रोडक्ट के बिजनेस में। सो जैसा कि हमने कहा कि आज हमारा जो है कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसके ऊपर वीडियो है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लाइक्स सपोज करते हैं कि आपने एक जो है कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस कोर्स को आप कैसे डिलीवर करोगे? या तो ये हो सकता है कि आप एक LMS वेबसाइट बनाएं, ठीक है, LMS वेबसाइट बनाएं, वर्डप्रेस में बना सकते हैं, मैं आपको कोई ज़्यादा जो खर्च वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, LMS आप सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है, बहुत आसानी के साथ ये सेटअप हो जाता है, और इसको अपनी वेबसाइट में सेटअप कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन ये होता है कि आप एक क्या करें कि लोगों को एक PDF प्रोवाइड करें, जिस PDF में आपके कोर्सेज के पूरे लिंक हो, वीडियोस के लिंक हो, एंड ये PDF उनके डायरेक्टली किस में चले जाए, ईमेल पे उनके डिलीवर हो जाए, ठीक है, या ये कर सकते हो, ठीक है। अब ये वीडियोस कहाँ रहेंगे, जो वीडियो के आप लिंक देंगे, ये वीडियो रहेंगे आपके यूट्यूब चैनल पर, जो कि कैसे रहेंगे, अनलिस्टेड, ठीक है, क्लियर हुआ। तो दो मेथड हैं जिसके थ्रू आप लोग है जो कोर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक। अब ये तो हो गई कोर्स की बात, चलिए अब कोर्स के बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका कोई बंडल है या फिर आपका कोई कैनवा का ग्राफिक्स है, जो भी है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? चलिए मानने चलते हैं आपके पास कोई एक बंडल है, ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे? आप इसको सिंपली ऐड करेंगे ड्राइव में, ठीक है, या फिर वन ड्राइव में भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मेगा में भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, तीनों में से किसी भी जगह अकाउंट बना के जो है आप ऐड कर सकते हैं, या फिर वी ट्रांसफ़र का पेड वर्जन ये लेंगे तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे जो एक्सपायर नहीं होते हैं लिंक्स, ठीक है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक बनाना है PDF, PDF कहाँ पे, कैनवा पे, ठीक है, और कैनवा PDF बना के यहाँ पे एक क्लिक हियर का बटन लगा देना है, और क्लिक हियर बटन पे इस ड्राइव का लिंक या फिर इसका लिंक या फिर जिसका भी आप लिंक लगा रहे हैं ये लिंक आप दे देंगे, ठीक है। आसानी के साथ आप PDF जो है कैनवा बना सकते हैं, वो तो आज के टाइम पे कैनवा हर किसी को आता है। यहाँ पे आप थैंक यू फॉर परचेसिंग वगैरह लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे क्लिक हियर का बटन, देन अगर इसको बटन पे क्लिक करता है तो हमारे से ड्राइव में चले जाएगा, और ड्राइव में जाने के बाद जो है हमारा प्रोडक्ट डाउनलोड कर पाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें ही बनाना है PDF, ठीक है। अब मान के चलो कैनवा का टेम्पलेट है, ठीक है, तो कैनवा के टेम्पलेट में भी आपको बनाना है PDF, ठीक है, मतलब 100 पोस्ट प्रोवाइड करें किसी का, वो बनाना है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट चैलेंजिंग चीज़ें क्या आ जाती है कि अगर आप किसी कस्टमर को उसका शेयर लिंक भेजते हैं और उस वो कस्टमर उसमें कुछ चेंजेस कर लेता है, कुछ चेंजेस कर देता है, तो वो सभी जितने लोगों को आपने दिया सभी में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ऐसा इसमें होता है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है कि आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे टेम्पलेट लिंक, ठीक है, टेम्पलेट लिंक। इसका मतलब क्या होगा कि आप जब भी किसी नए पर्सन को देंगे तो वो टेम्पलेट लिंक के थ्रू जाएगा, ठीक है,
टेम्पलेट लिंक के थ्रू, मतलब हर कोई अपना अपना यूज़ कर पाएगा, अगर कोई चेंजेस करेगा तो उसमें सिर्फ उसी के वो चीज़ चेंज होगी, किसी और के में चेंज नहीं होगी। ठीक है, टेम्पलेट लिंक कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ सीधे कैनवा पे, कैनवा पे जाने के बाद यहाँ पे मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है, होम पेज जाने के बाद मान चलते हैं ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। आपको सामने दिखाता हूँ कैसे आपको टेम्पलेट लिंक इसका बनाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं, बट हाँ ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि किस तरह से हम टेम्पलेट लिंक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं शेयर पे क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे जो है आपका मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये रहा टेम्पलेट लिंक। ठीक है, ये रहा टेम्पलेट लिंक, इस टेम्पलेट लिंक को आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको ये लिंक देगा, ये लिंक आपको वहाँ पे पेश कर देना है जब आप पीडीएफ बनाओगे तो। ठीक है, डन, इतना चीज़ें करनी है आपको अगर आपको कोई टेम्पलेट देना है तो। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जो डिजिटल प्रोडक्ट के मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेगा डिजिटल बंडल, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी कोर्स एंड यहाँ पे कुछ और कोर्स बन रहे हैं, यहाँ पे कुछ और कोर्स सेल हो रहे हैं। ठीक है, सो क्या होता है कि लाइक ये ड्राइव में कहीं रखा हुआ है, इसको आप जो है लेते हैं कस्टमर्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या इनका ये रेजर पे नहीं है ये कोई और एक ऐसा पेज है, कॉस्मो फीड करके एक पेज है जिसके थ्रू ये पेमेंट ले रहे हैं। ठीक है, ये भी शायद एक पेमेंट गेटवे है। चलिए मैं आपको कुछ और वेबसाइट दिखा देता हूँ, ठीक है, जो लोग एक्चुअल में इसका यूज़ कर रहे हैं एंड इस पर क्लिक करते हैं। ओके, ये भी कॉस्मो फीड में ही ले जा रहे हैं हमें। ठीक है, शायद ये उसी कस्टमर का है ये। ठीक है, और देख लेते हैं किसी और का प्रोडक्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं ऑल इन वन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते वाली चीज़ें नहीं हैं आप, हाँ ये चीज़ों भी कर सकते हैं। लाइक ये देख सकते हैं आप डिजिटल, ये देख सकते हैं। ठीक है, एंड ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इसमें क्लिक करता हूँ मैं, देन ये हमें ओके ये देख सकते हैं आप, इसने हमें अपने लैंडिंग पेज पर विजिट कराया है। ठीक है, तो ऐसा लैंडिंग पेज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल हम लैंडिंग पेज बनाएंगे ताकि ज़्यादा कन्वर्जन हो। ठीक है, एंड ये रहा, ये सेल कर, देख लेते हैं इसका कैसा लैंडिंग पेज है। ये भी रेजर पे में देखो, यही मैंने कहा आपको कि आप डायरेक्ट रेजर पे में भेज सकते हैं या फिर आप जो है डायरेक्ट जो है अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं। जो लैंडिंग पेज होता है उसमें ज़्यादा सेल्स होती है, ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा सेल्स आपको मिलती है, तो बाकी आपके ऊपर है कि आप उसमें से लेना चाहते हैं, उसमें करना चाहते हैं या किस में करना चाहते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा वेबसाइट का, और मैं आपको कुछ जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी जाके देख सकते हैं, मैंने लैंडिंग पेज फ्री में दिया हुआ है उसमें। ठीक है, तो उस फ्री में लैंडिंग पेज आप ले सकते हैं, आपने यूज़ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कुछ हिस्सा का लैंडिंग पेज आपको मिल जाएगा, उसमें अच्छे से लैंडिंग पेज उसमें डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही कि आज के वीडियो में मैंने बताया कि कैसे डिजिटल प्रोडक्ट बन सकता है, कैसे आप बनाएंगे, कैसे आप लिंक जनरेट करेंगे, क्या सिस्टम पूरा काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, वेबसाइट कैसे सेटअप होता है, क्या चीज़ें काम करती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आज के हम वीडियो में इन कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, लाइक वर्डप्रेस कैसे, वर्डप्रेस तो इंस्टॉल पहले से रहेगा, वर्डप्रेस डालना, उसमें थीम डालना, कौन सी थीम डालेंगे, वूकॉमर्स सेटअप कैसे करेंगे, पेमेंट गेटवे कैसे लगाएंगे, ऑटो चैट कैसे करेंगे, फ्लेक्सिबल चेकआउट कैसे बनाएंगे, ऑटो कंप्लीट कैसे करेंगे, ये सब 5 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने एक सब डोमेन लिया हुआ है, लाइक wordpress.moreweather.in करके, देन यहाँ पे हम अपने जो स्टार्टिंग से करने वाले हैं, ये हमारा वर्डप्रेस डल चुका है, वर्डप्रेस आपको डालने आना चाहिए या फिर आप इसके लिए कोई और वीडियो देख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। सो यहाँ पे सिंपल आते हैं अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस के आने के बाद मैं यहाँ पे थीम पे क्लिक करता हूँ, थीम पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ये थीम डालने वाला हूँ OceanWP, इसको मैं सिंपल यहाँ पे जो है एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, आपको भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना, देन यहाँ पे एक्टिवेट ओशन फी एक्स्ट्रा पे क्लिक करना क्योंकि हम डेमो कंटेंट डालने वाले हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो तभी हमारा वूकॉमर्स वगैरह कुछ ऑटोमेटिक सेटअप होके आएगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, सिंपल मैं सीधे आता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल डेमोस पे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं ई कॉमर्स पे क्लिक करता हूँ क्योंकि हमारा सारा कुछ सिस्टम ई कॉमर्स का हम बनाने वाले हैं। इसको इंपोर्ट कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे आप इंपोर्ट कर सकते हो, मैं अभी के लिए इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सब तो डेमो कंटेंट हमें मतलब है नहीं। ठीक है, एक्टिवेट 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 एंड एक्टिवेट। ठीक है, आपको भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना, देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप और यहाँ पे इंपोर्ट, सारा डेटा हमें इंपोर्ट चाहिए तो हम इंपोर्ट कर लेंगे, देन आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, आगे प्रोसेस करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट हो जाए।
ठीक है, ये हमारा डेमो इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं इसे कट कर लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट को जो है ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड जो भी डिज़ाइन होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे, क्या डिज़ाइन हमारा शो कर रहा है ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा हमारा डिज़ाइन आ गया है। इसमें आप चेंजेस करना चाहते कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तब भी कोई इशू है नहीं, लेकिन हाँ चेंजेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब पेमेंट गेटवे लगाते हैं तो ये सारा कुछ वो लोग देखते हैं कि आपने डेमो कंटेंट यूज़ किया हुआ है या फिर आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड किया है कि नहीं किया है, ये सब कुछ वो लोग चेक करते हैं। एक और वीडियो आएगी हमारी जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या चीज़ें आपको वेबसाइट में करनी पड़ी ताकि एक बार में आप पेमेंट गेटवे जो है एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट में क्लिक करने के बाद ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट ही बनने वाला है। इस डिजिटल प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह लिख के आएगा, यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया जाएगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ये देखो ऐड टू कार्ट हो गया, इसमें व्यू कार्ट में क्लिक करेंगे। व्यू कार्ट में क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे चल के। यहाँ प्रोसीड में क्लिक करेंगे, प्रोसीड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है आपका बिलिंग एड्रेस। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, स्टेट, स्टूडेंट, सिटी, ये सब चीज़ें आ रही है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आ रही है, अब हमें क्या करना है, डिजिटल प्रोडक्ट को उनके मेल पे भेज रहे हैं, उनके मेल पे हम वो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, तो क्या हमें इस एड्रेस की, कंपनी, स्टेट, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, इन सबको यहाँ से हटाने वाले हैं, जो कि हमारे इस वीडियो में आगे होने वाले हैं। ठीक है, सो वही मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, क्या फ्लेक्सिबल चेकआउट, मतलब आसानी से चेकआउट आप कर सकते हैं, वो हम बनाने वाले हैं बहुत आसानी के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हम ले पाएँ। आप कस्टमर ये सब फील नहीं करता है, बहुत टाइम लगता है इस फील करने में, हमें जल्दी जल्दी उनको परचेस करवाना है। ठीक है, सो ये हमारा प्रोसेस, इसको हम लोग ठीक करेंगे अभी। ठीक है, चलते वापस चलते हैं हमारी वेबसाइट में, देन हमारा डेमो कॉन्टेंट डल चुका है। ठीक है, अब वेबसाइट में जो सेटिंग्स होंगी, जो चीज़ें चेंजेस होंगी, वो तो आप चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको मतलब इसमें टाइम देना पड़ेगा वेबसाइट में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे कहाँ पे, WooCommerce में। इसको मैं जल्दी से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा WooCommerce सेटअप। ठीक है, तो WooCommerce का सेटअप कर लेते हैं हम लोग, मेल वगैरह सब कुछ हम सेट कर लेंगे। ये रहा हमारा WooCommerce, WooCommerce के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा मैं। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जो है कंट्री आप डाल देंगे इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंडिया छत्तीसगढ़ ले लेते हैं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। देन यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे जो डॉलर है उसको इंडियन रुपीस कर लेंगे, ये रहा इंडियन रुपीस, और सेव। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। अब सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है नहीं, यहाँ पे आपको मेल पे जाना है। ठीक है, मेल पे जाने के बाद ये जो मेल है, ये मेल अभी मेरा डाला हुआ है, ये मेल आपको अच्छा मेल डालना है, मतलब आपका मेल डालना है, सब कुछ आपको यहाँ पे ट्रैक होगा। ठीक है, वो मेल से जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आपको मेल को सही डालना है, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, मेल पे, ठीक है, तो ये मेल आप तीनों चेंज कर लेंगे, अगर ये मेल सही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो उसको सेंड होगा, उसको मैसेज जाएगा, वो यहाँ पर किस नेम से जाना चाहिए, वो नेम आप चेंज कर लोगे, यहाँ पर आप मेल चेंज कर लोगे, किस मेल, क्या मेल लिख के जाना चाहिए वहाँ पर, कलर चेंज करना कर सकते हो, यहाँ पे आप फूटर लगा सकते हो उसमें, एंड यहाँ पे आप हेडर लगा सकते हो, हेडर का लिंक देना होगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, हेडर इमेज का लिंक देना होगा यहाँ पे, इमेज आप सिंपली यहाँ पे अपलोड करोगे, यहाँ पे मीडिया में अपलोड करोगे, उसका जो भी लिंक आएगा उसको आपको इस लिंक यहाँ पे लाके करना, ताकि जो एक प्रोफेशनल वे में जाना चाहिए, जो हमारा एक बिल जाएगा, ठीक है, जिसमें डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डाउनलोड कर पाएगा कस्टमर उसको, वो चीज़ सही से जाना चाहिए, बढ़िया लोगों अगर लग के जाना चाहिए तो अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, ऐसे में जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट लिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेता हूं टेस्टिंग बंडल। ठीक है, एंड यहां पे इस मेल से ये चीजें जाने वाली है। ठीक है, नीचे आते हैं, यहां पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेंगे, हमारा जो डिटेल्स है पूरा सेव चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है मेल का, क्योंकि ये चीज बहुत इशू करती है। ठीक, अब यहां पे अकाउंट वगैरह में आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, देन यहां पे आपको नीचे आना है, और अब मैं आपको एक प्लगइन बताने वाला हूँ, जिस प्लगइन को आपको ऐड कर लेना है, प्लगइन जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। सो अब मैं प्लगइन पे आ चुका हूँ, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है पेमेंट गेटवे के लिए। पेमेंट गेटवे के लिए आप सिंपली यूज़ कर सकते हो, अगर आपका रेजर पे है तो आप सिंपली यहाँ पे चूज़ कर सकते हो रेजर पे, रेजर पे यहाँ पे लिख सकते हो, देन आपको रेजर पे का फॉर WooCommerce का एक प्लगइन आ जाएगा, जिसको आप सिंपली ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका कैश फ्री है तो यहाँ पे सिंपल कैश फ्री का प्लगइन ऐड कर सकते हो।
ठीक है, कैशफ्री लिखेंगे तो कैशफ्री का प्लगइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये रहा कैशफ्री फॉर वूकॉमर्स। लेकिन अगर आपका पेयू का है या फिर आपका इंस्टामोजो का है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म का है, तो आप यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो जिसमें आप ये सारे पेमेंट गेटवे को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, जिसका नाम है नाइट पे। ठीक है, काफ़ी लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो बाकी आपके ऊपर है, जो भी नाम इसको देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नाइट लिखा मैंने, ये रहा नाइट पे। ठीक है, ये देख रहे हो इंस्टामोजो, पेयू, कैशफ्री, आपका स्ट्राइप, इंस्टाबेज, क्यूआर कोड, सब कुछ इसमें इंक्लूड है एक ही प्लगइन में। ठीक है, तो इस प्लगइन का यूज़ करके सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, हो सकता कुछ ज़्यादा स्पीड हो, बट हाँ ये चीज़ें बहुत आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया, देन यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद देन यहाँ पे मेरे पास नीचे पे ऑप्शन आ रहा है, ये रहा नाइट पे। ठीक है, क्लोज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नाइट पे में क्लिक करते हैं, ये रहा नाइट पे। इसमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो है ये रहा ऐड न्यू, इस ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नाम दे देंगे अपना, जो भी नाम देना है। देन यहाँ पे कौन सा पेमेंट गेटवे है, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे पेमेंट गेटवे यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन हुए हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं कैशफ्री, इंस्टामोजो, आपका रेजर पे, पेयू मनी, पेयू इंडिया, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक है, सो जो भी आप चाहते हैं रेजर पे, तो रेजर पे क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल करेंगे, देन यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, रेजर पे का नहीं दिखा रहा है, कैशफ्री का देख लेते हैं। आउटबाउंडिंग ये देखिए बंद किया हुआ है, ये मैंने कहा था ना आपको। ठीक है, तो आउटबाउंडिंग भी बंद किया हुआ है यहाँ पे पेमेंट मेथड। ओके, सो इस आउटबाउंडिंग में कुछ इशू की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। जहाँ से मैंने बताया था आपको, प्लगइन सेक्शन पे जाके आपको ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको जो पेमेंट गेटवे है आपका, उसको सर्च करेंगे, इंस्टामोजो मिल जाएगा आपको, कैशफ्री मिल जाएगा, रिजर्व पे मिल जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर ऑलरेडी है तो। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप सिंपली जो है अप्लाई कर सकते हैं इसको बनाने के लिए और आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो उसके थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है हमारा ऑटो चैट के बारे में। ठीक है, कि आप अपने वेबसाइट में अगर से देखो, ये सेफ पॉइंट है। ठीक है, कि आप अपने वेबसाइट में अगर कोई चैट का ऑप्शन देते हो तो आप अपने फ़ोन से चैट कर सकते हो अपने कस्टमर्स, जो भी आपकी वेबसाइट में है, जो भी क्वेरी है उनकी आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं अब जो बेस्ट प्लगइन मानता हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करो। ऐड न्यू पे क्लिक करने यहाँ पर टीडीओ सर्च करो। ठीक है, टीडीओ सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारे पास वो वेबसाइट, वो प्लगइन आ जाएगा जिसको हम लोग ऐड करने वाले हैं, जिसमें ऑटो चैट करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल ये रहा टीडीओ, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, देन यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लेंगे। चैट का कोई भी एक ऑप्शन, चाहे व्हाट्सअप चैट दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन चैट का एक ऑप्शन दो अगर आपको सेल्स इंक्रीज करनी है तो। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको सेटअप करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए मैं अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आप जो कैसे ये टीडीओ चैट का जो ऑप्शन है वो सेट करते हैं, कैसे ऑटोमेशन में चैट लगाते हैं, ये सब के लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है फ्लेक्सिबल चेकआउट के बारे में। तो फ्लेक्सिबल चेकआउट कैसे होता है, सिंपली यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। प्लगइन सब कुछ प्लगइन के थ्रू होगा। ठीक है, डायरेक्ट चेकआउट उस प्लगइन का नाम है। सिंपली हम नीचे आएंगे एंड मैं आपको उसका लोगो भी दिखा देता हूँ, ये रहा उसका लोगो। ठीक है, इसको आप सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। ये और भी आसान है फ्लेक्सिबल चेकआउट से, यहाँ पे जो है एक्टिवेट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब ये ऑप्शन दिखेगा कहाँ पे, आपको सीधे वूकॉमर्स में दिखेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारा वूकॉमर्स और ये रहा हमारा डायरेक्ट चेकआउट। ठीक है, ये दिख रहे हैं, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आना है चेकआउट पे। ठीक है, तो ये चेकआउट पे हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये रहा रिमूव चेकआउट। ठीक है, तो क्या क्या रिमूव करना है, हमें फ़ोन नंबर रिमूव नहीं करना है, हमें पिन कोड रिमूव करना है, जो भी रिमूव करना है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, जो चाहिए वो नहीं करेंगे, लास्ट नेम नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हमें कंट्री नहीं चाहिए, हमें स्टेट नहीं चाहिए, हमें एड्रेस नहीं चाहिए और हमें, हाँ ठीक है, डन। ठीक है, हमें ईमेल एड्रेस चाहिए, उनका नाम चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, उसको आप जो है पढ़ के कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन रिमूव करना है, यस। ठीक है, देन यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है ये चीज़ें। ठीक है, और बहुत आसानी से आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। सिर्फ 102 दिन लगने वाले हैं आपको सेट करने में, बाकी फिर सब कुछ आपका ऑटोमेटिक चलने स्टार्ट हो जाएगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देख सकते हैं चेकआउट पेज, और ये देखो फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, देख सकते हैं आप,
ठीक, हमारा जो भी ऑप्शन था पुराना ऑप्शन सब कुछ हट गया, यहाँ पे हम सिर्फ तीन ही ऑप्शन आ रहे हैं। सिंपल है, कस्टमर ही डालेगा और यहाँ पे चेकआउट करेगा, उसके मेल पे सारा कुछ चले जाएगा ऑटोमेशन में। ठीक है, कुछ और चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो ऑटोमेटिक प्लगइन होने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर करूँगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो ऑर्डर कंप्लीट। ठीक है, अब होता क्या है, कस्टमर आता है, ऑर्डर करता है, ऑर्डर करने के बाद वो ऑर्डर कहलाता है और वो ऑर्डर शो करेगा यहाँ पे आपको WooCommerce के ऑर्डर सेक्शन पे। ठीक है, तो कस्टमर के ऑर्डर आएंगे तो यहाँ पे देखो इन होल्ड, ठीक है, और ऐसे कैंसल प्रोसेस, ऐसे काफ़ी सारे मेथड होंगे। ठीक है, तो मेल जब तक नहीं जाएगा कस्टमर, जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपका ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर को ऑटो कंप्लीट होना पड़ेगा तभी उसके पास मेल जाएगा, वरना क्या होगा, आपको बार बार आके यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको ऑटो कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑटो कंप्लीट का सिस्टम है सिंपल सा, यहाँ प्लगइन में जाइए, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। हो सकता है ये प्लगइन बहुत लोगों की हेल्प करे, ठीक है, कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। यहाँ पे मैं करता हूँ ऑटो कंप्लीट ऑर्डर। ठीक है, ये रहा वो प्लगइन जिसको हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। बहुत आसान प्लगइन है, सिंपल ऐड कर लेंगे ऑटोमेशन में सब कुछ काम होने लग जाएगा। ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस प्लगइन डाल दिया आपने, दैट्स इट, ऑटोमेटिक चीज़ें काम करना स्टार्ट कर जाएगी। ये रहा आपका वो प्लगइन। ठीक है, इसमें सेटिंग में जाके आप देख सकते हैं कि लाइक कौन कौन से प्रोडक्ट में करना है, ये आपके अलग चीज़ें हैं, बट हाँ ऑलरेडी इसमें सेट होता है कि डाउनलोड प्रोडक्ट है, वर्चुअल प्रोडक्ट है, तो ऑटोमेटिक उसको ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पिक्सेल को कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, ठीक है, अगर एक स्टेप जो फॉलो करेंगे, जो मैं बताने वाला हूँ, अगर वो स्टेप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको पिक्सेल अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा आपकी वेबसाइट के साथ। सिंपली आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में आ जाना है, उसके बाद प्लगइन सेक्शन पे आके आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम एक प्लगइन ऐड करने वाले हैं जिस प्लगइन का नाम है पिक्सेल योर साइट। ठीक है, पिक्सेल योर साइट करके एक हमारा प्लगइन है जिसको हम लोग ऐड करने वाले हैं। और आप लोगों ने अभी तक अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करी या नहीं करी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरी सीरीज आ रही है, आप हर एक वीडियो को फॉलो करते जाइए और अपना काम स्टार्ट करते जाइए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सारे वीडियोस अपलोड कर दूं ताकि आप लोग जो है अपना इस पे करियर बनाना चाहते हैं तो बना सकें। ठीक है, और ये हमारा पिक्सेल योर साइट, ये देखो हमारा डल चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसके डैशबोर्ड पे जाऊँ, डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है आपको, देन यहाँ पे लिखा है फेसबुक मेटा पिक्सेल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक पे क्लिक करना है, इन दोनों को आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद ये रहा आपका पिक्सेल आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा पिक्सेल का कोड नहीं डालना है, सिर्फ पिक्सेल की आईडी डालनी है। तो यहाँ पे मैं अपने एक एड अकाउंट में चले जाता हूँ, देन यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इवेंट मैनेजर पे चले जाता हूँ। इवेंट मैनेजर पे जाने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है इसको खुलने में। यहाँ पे हमें एक क्या देगा, पिक्सेल देगा, ये देख सकते हैं एक पिक्सेल आ रहा है। ठीक है, तो इसको ये बोलते हैं, जो पिक्सेल के अंदर आईडी होती है ना, इसको बोलते हैं पिक्सेल आईडी। तो आपको सिंपली ये आईडी कॉपी कर लेना है। ठीक है, या आईडी आप कॉपी यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे करके ये रहा, इस तरीके से कॉपी आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास इसको शीर्षक डैशबोर्ड आएगा तो तब भी आप सिंपल कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइक नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये रहा आपका पिक्सेल आईडी, इसमें क्लिक करेंगे आपका आईडी कॉपी हो जाएगा। देन यहाँ पे आप इसमें चले जाएंगे एंड यहाँ पे आप इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट। ठीक, अब नीचे सबसे नीचे आना है, बहुत नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए और सेव सेटिंग क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। आपका सारा पिक्सेल अच्छे से कनेक्ट हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको WooCommerce के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है WooCommerce लाइक परचेस की एड रन करनी है। और एड रन के ऊपर हमारी वीडियो आने ही वाली है, हम कैसे एड क्रिएट बनाएंगे, एड बनाएंगे कैसे, क्रिएटिव बनाना है हमें, ये सब के ऊपर आगे वीडियोस आएंगी आएंगे। ठीक है, तो उस चीज को एक बार देख लीजिएगा, सब सारा कुछ पिक्सेल सेटअप हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था बहुत छोटा चीज करके आप जो है पिक्सेल लगा सकते हैं, तो इस तरीके से आप पिक्सेल जो ऐड कर सकते हैं। गाइस, अगर आप इंटरेस्ट फाइंड करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे तीन मेथड बताने वाला हूं जिन तरीके से आप इस जो है अपने इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा पहला मेथड है वो ये मेथड है जो फेसबुक का सजेशन होता है वो। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे सजेशन की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे अगर मैं क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करता हूं, देन हमने पिक्सेल के बारे में पढ़ा ही था, तो आप सेल्स पे जा सकते हैं। यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं, यहां पे हम मैनुअल करने वाले हैं सब कुछ, देन यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। आप एक बार एडवांटेज भी यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सिंपल इसके एड सेट पे जाता हूँ, एड सेट पे जाने के बाद नीचे आता हूँ। ये सब कुछ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, अभी मैं आपको सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, मान के चलो आप जो एड रन कर रहे हैं उसके लिए जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है वो है ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है,
ग्राफिक डिज़ाइन का ये जो हमारा ये रहा इंटरेस्ट, ठीक है, हमें इंटरेस्ट ही टारगेट करना है, हमें और कुछ टारगेट नहीं करना है। लाइक मैं ग्राफिक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सजेशंस पे क्लिक करूँगा, तो जितने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, रिलेटेड इंटरेस्ट है, वो सारे इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। इन इंटरेस्ट में से देख सकता हूँ मैं मेरी जो प्रोडक्ट है उसके लिए कौन से रिलेवेंट ऑडियंस है, इसमें से कौन सा रिलेवेंट है ये मैं देख सकता हूँ कि लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डाल दिया, लाइक ग्राफिक्स से कौन से इंटरेस्ट है, डिज़ाइन से इंटरेस्ट है। ग्राफिक डिज़ाइन किस में होता है, फोटोशॉप में होता है एंड इलस्ट्रेटर में होता है, और लाइक एडोबी इन डिज़ाइन है, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन जैसे फील्ड ऑफ स्टडीज है, वर्चुअल आर्ट है, तो इन सबको मैं क्या कर सकता हूँ, टारगेट कर सकता हूँ। टारगेट करके स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है उसके ऊपर आगे वीडियोस आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट मेथड है जहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, जो कि हर कोई करता है इस मेथड से, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, मेथड बेकार नहीं है, मेथड अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन इससे भी आप चीज़ें कर सकते हैं। सेकेंड जो आपको यूज़ करना है वो यूज़ करना है इंजन येरा, ठीक है। इसका URL आप देख सकते हैं यहाँ पे enginescout.com.au/facebook-interest-targeting-tool, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं कर पाऊँगा प्रोवाइड तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाए, या फिर हमारे जो हमारे YouTube हैंडल करते हैं उनसे मिस्टेक हो जाए कि वो लिंक ना लगा पाए, ठीक है। तो सिंपली आप थोड़ा सा मेहनत तो कर ही सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट डाल देना है, ठीक है। लाइक मैं किचन से रिलेटेड अगर मेरा प्रोडक्ट है, ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे चलो मैं ग्राफिक डिज़ाइन ही करता हूँ एक बार, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। एंड यहाँ पे सर्च में क्लिक करता हूँ, सर्च में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 4 डिज़ाइन आई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ग्राफिक डिज़ाइन है और लाइक ये है, ठीक है। इसमें तो ऑडियंस काफ़ी कम है, इसको हम लोग नहीं चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइन हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे लाइक हमने किचन लिया था, तो सिंपल मैं किचन सेलेक्ट करता हूँ, देन सर्च पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं, बस मैं आपको सैंपल बताने वाला हूँ, बाकी आपको रिसर्च तो खुद ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे इंटरेस्ट ये हमें शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें चूज़ कौन सा करना है, जिस इंटरेस्ट के साइड में यहाँ बिजनेस इंडस्ट्री लिखा हुआ है इसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। जिस इंटरेस्ट के साइड में आपको ये दिखेगा उसको आपको चूज़ करना है, सिंपली उस पर एड रन करना है, 100% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बस इस टूल का ड्रॉबैक ये है कि एक दिन में सिर्फ 3 सर्च ही से आप कर सकते हो, तो बड़े ध्यान से सर्च करिएगा और लाइक रिसर्च करिएगा, थोड़ा सा काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। थर्ड जो मेथड है वो है ChatGPT, ChatGPT का आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइड वे फेसबुक एड इंटरेस्ट फॉर इस पर्टिकुलर टॉपिक के, आप लेम लिख सकते हैं, आपको काफ़ी सारा इंटरेस्ट दे देगा। इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको लाइक आप कर सकते हो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो, ठीक है। लेकिन हमारी जो एक्चुअल में थर्ड टाइप है जिससे हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं वो कि मोस्ट पॉपुलर नहीं बोल सकते, बेस्ट बोल सकते हो, बेस्ट जो वे है जिससे हम लोग क्या है इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, सिंपली यहाँ पे देख सकते हो हमारा फेसबुक अकाउंट है, ये हाल आप देख सकते हैं ऐड भी चल रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस 3 डॉट्स में क्लिक करना है ऐड के, वाई आई एम सिंग दिस ऐड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोन इंटरेस्ट इन वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है। इन्होंने जो ऐड बनाई हुई है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का इन्होंने टारगेटिंग किया हुआ है एक ऐड सेट में, ठीक है। एज देख सकते हैं 18 टू ओल्डर इन्होंने टारगेट किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया टारगेट किया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं ये क्या टारगेट कर, ये इन्होंने क्या सेल कर रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं, ओके, ये इन्होंने ओपन पे एड रन कर रखा है। चलिए एक काम करते हैं, नीचे हम देखते हैं और कुछ हमें दिखाई दे दे तो उसका भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। YouTube किड बंडल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, और ओके, ये लोग भी ओपन में एड रन कर रहे हैं, ठीक है, कोई टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, ओके, ये भी कोई टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं। नीचे आते हैं, अगर ऐसा आपको लगता है ना कि आपको टारगेटिंग नहीं मिल रही, सिंपल इनके पोस्ट को लाइक कर दो, ठीक है। आपको वो स्टेटी बताने वाला हूँ जो पेड मेथड में भी लोग नहीं बताते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, ये चीज़ पेड में भी नहीं बताते। मैंने एक दो लोग को बाय किया हुआ है, ठीक है, कि लाइक कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, मुझे ही कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए इसके लिए, लेकिन वहाँ से तो फिर मुझे तो कोई ही रिस्पॉन्स नहीं मिला पे करने के बाद भी, ठीक है। तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक, हाँ। और बस आपको इसके लिए क्या करना होगा, नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं ये भी शायद सेम ही है, इसका देख लेते हैं, इसमें क्लिक किए वाई एम सिंग दिस ऐड, और ये भी टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं, इसका देख लेते हैं,
वाई आई एम सेइंग दिस सेट ओके, ये देख रहे हैं टारगेट क्या कर रहे हैं, 18 to 45 टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें इंटरेस्ट में क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये 5 इंटरेस्ट ये लोग टारगेट कर रहे हैं जिस बेसिस पे मुझे ये ऐड दिखाई दे रही है। ठीक है, चाहे तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, मुझे इस टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है, बंद कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये 5 इंटरेस्ट आपको दिख रहे हैं, इन 5 के ऊपर अगर आप ऐड रन करोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक तो आप यूज़ कर सकते हो ऐड लाइब्रेरी का। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें क्लिक करता हूँ मैं एंड यहाँ पे मैं वाई आई एम सीइंग दिस ऐड ओके, ये भी टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं, ओपन टारगेटिंग में ऐड कर रहे हैं ऐड, ये नीचे आते हैं और हमें और कोई ऐड दिखता है तो हम बिल्कुल आपको दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए स्पॉन्सर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यों हमें टारगेट कर रहे हैं वो, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है आपको, क्यों टारगेट कर रहे हैं वो सब चीज़ आपको दिखाई दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, ये सारे इंटरेस्ट हैं, हर एक इंटरेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, रीच आप पूरा फाइंड करने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपको करना क्या होगा, ये चैनल सब्सक्राइब दिख रहा होगा उसको दबा देंगे, फिर आके आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा गूगल क्रोम ओपन है, सिंपली यहाँ पे आपको जहाँ चले जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है idplr.com। ठीक है, idplr.com, देन यहाँ पे ओके, इसने अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं किया, कोई बात, idplr ठीक है .com ये एंटर कर लेंगे, एक वेबसाइट है। ठीक है, जिस वेबसाइट में आपको बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसको आप रीसेल कर सकते हैं, विथ राइट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे विथ राइट्स मिलेंगे, देख रहे हैं, फ्री प्रोडक्ट, ई बुक्स हो गए, आपके सॉफ्टवेयर हो गए, वीडियोस हो गए, ऑडियो हो गए, ग्राफिक हो गए, टेम्पलेट्स हो गया, ये सब आपको फ्री में मिल जाएंगे यहाँ पे। सिंपली आपको किसी भी क्लिप में क्लिक कर लेना है, मैं यहाँ पे ई बुक्स में क्लिक करता हूँ, ई बुक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं बस काफ़ी सारे ऐसे ई बुक्स आ जाएंगे जिसको मैं जो है रीसेल कर सकता हूँ। ठीक है, और रीसेल करने के लिए यहाँ पे आपको देख लेना है लाइसेंस, ये देख रहे हैं मास्टर रीसेल राइट्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रीसेल राइट्स, देख रहे हैं, पर्सनल यूज़ ऑनली, मतलब इसको सिर्फ पर्सनल यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, रीसेल राइट्स लिखा होगा उसको आपको सिंपली डाउनलोड करना है और उसको आप रीसेल कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पे बोनसेस वगैरह बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक बार जाइए इस वेबसाइट पर, देखिए क्या क्या चीज़ें आप काम की है जिसका आप एक बंडल बना सकते हैं, उसको आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं आपके, वीडियो प्रोडक्ट्स हैं, रीसेल राइट्स वाले हैं, मास्टर रीसेल राइट्स वाले हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप सिंपली जाइए उसमें, क्लिक करिए, उसके वेब जो है प्रोडक्ट देखिए और उसको डाउनलोड करके सेल कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया idplr.com, ये एक वेबसाइट है। सिंपली एक और क्या करना है, फ्री PLR प्रोडक्ट डाउनलोड। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, फ्री PLR भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे ऐसी वेबसाइट आ जाएंगे जिसको आप रीसेल कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट, freeplr.com, ठीक है, ये देख रहे हैं फ्री PLR वेबसाइट्स, यहाँ पे भी आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे आपको जो है मिल जाएंगे, ये रहा PLR डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फ्री बुक्स वगैरह लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, वर्डप्रेस प्लगइन एंड वीडियोस लिखा हुआ है, तो ये भी एक क्या है, मार्केट प्लेस। सिंपली यहाँ पे साइन अप करना है, यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है और उसको आप सेल कर सकते हो, रीसेल राइट के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप इसको सेल कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड मेथड है वो ये है कि आपको सिंपली फेसबुक में आ जाना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, सॉरी, फेसबुक में नहीं आना है, फेसबुक एड लाइब्रेरी। ठीक है, फेसबुक के एड लाइब्रेरी पे आ जाना है, ये हमारा फेसबुक एड लाइब्रेरी है, इस पर चले जाना है आपको, और जो बाकी लोग सेल कर रहे होंगे आप यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे वो सिंपली आपको दिखा देगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको जाले जाना है, यहाँ पे आपको एड्स को ऑल एड्स कर लेना है। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं ग्राफिक बंडल। ठीक है, ग्राफिक बंडल डाल के आप सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे एड्स दिख जाएंगे जो एड्स अभी रन हो रही है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये सारे एड्स आपको दिख जाएंगे जो अभी एड रन हो रही है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक ऐड में जा सकते हैं, हम देखेंगे थोड़ा सा जो पुरानी ऐड होगी, यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिल्टर लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिल्टर लगाते हैं हम लोग डेट का। ठीक है, कि कब से कब तक। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट कर लेता हूँ इसको, आज हमारा 22 है तो मैं यहाँ पे डेट कर लेता हूँ 01/04/2023। ठीक है, इस डेट से आज से 5 दिन पहले। ठीक है,
आज से 5 दिन पहले मैं ले लेता हूँ 17, ठीक है, एक अप्रैल 17 अप्रैल तक जो भी ऐड है वो मुझे दिखाई दे, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 दिन पीछे तक का लेना है, ताकि 5 दिन से जो ऐड रन हो रहे हो, देख रहे हैं 17 अप्रैल से ये ऐड रन हो रही है, ठीक है, मतलब ये ऐड जो है वो प्रॉफिटेबल ऐड है, तभी ये ऐड रन हो रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी तभी ऐड रन हो रही है। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जिस भी में चले जाइए उन प्रोडक्ट को आप जो है विजिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके या कुछ चेंजेस करके आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। बस सेल करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 14 अप्रैल से एड रन हो रही है, आज है 22, मतलब पिछले 8 दिनों से एड रन हो रही है। ऑब्वियस बात है ये प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक ही आईडी इन्होंने बनाया हुआ है, सभी प्लेटफॉर्म्स में रन कर रहे हैं ये। इनका आप जो है प्राइमरी टेक्स्ट देख सकते हैं, और यहाँ पे इनका ये बटन देख सकते हैं, गेट ऑफर लिखा हुआ है, 1500 प्लस रील्स लिखा हुआ है। इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसके लैंडिंग पेज पर जाऊँगा, इसका आप लैंडिंग पेज देख सकते हैं, किस तरह से इन्होंने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, इनके इमेजेस वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आता है, क्योंकि ये खुद का इनका कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर इनका खुद का प्रोडक्ट होता है तब उसको आप सेल मत करिए, लाइक कोर्सेज हो गए, ठीक है, अगर मेरे कोर्सेज हैं उसको आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रीसेल राइट्स नहीं है, आपको थोड़ा इशू हो सकता है, ठीक है। तो अगर राइट्स वगैरह हैं आपके पास तो उस चीज़ को बिल्कुल आप सेल कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी इशू नहीं होने वाली, ठीक है। और लाइक इस तरह से लैंडिंग पेज बना सकते हैं आप, मैंने कुछ लैंडिंग पेज के आपको जो है बंडल ही प्रोवाइड करे हुए हैं, आप मेरे वीडियोज़ में वीडियो नंबर 2 या 3 में आप देख सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो पर जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिए, और काफ़ी सारे लैंडिंग पेज मैंने दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो स्पाई भी हो गया हमारा, और हमने डीटेल पर फाइंड भी कर लिया कि जो ऐड पिछले 5 दिनों से ऐड रन हो रही है उसी प्रोडक्ट को आपको चूज़ करना है, उसी प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है अपना प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, ठीक। सो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे फाइंड करना है। फाइंड करने के सिंपल PLR बताया मैंने, PLR के अलावा मैंने ये बताया कि गूगल में जाइए, सॉरी एड लाइब्रेरी पर जाइए, एड लाइब्रेरी जाने के बाद यहाँ पे आपको वैसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो ऐसा मतलब जो है पिछले 5 दिनों से एड रन हो रही है, अगर 5 दिनों से एड रन हो रही है मतलब प्रॉफिटेबल है, उसको प्रॉफिट हो रहा है वहाँ से, और इस तरीके से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर बाय कर सकते हैं आप, बाय करके इसको डाउनलोड करके आप इसको सेल कर सकते हैं अपना खुद का PDF बना के, जो मैंने बताया हुआ है कैसे PDF बनाना है आपको, PDF बना के उसको रीसेल कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई भी इशू नहीं आएगा कि ये इनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप चाहते हैं खुद का बनाना तो वो भी बना सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं, लाइक कोर्स बनाना तो कोर्स बना सकते हैं, या फिर कुछ और बनाना तो वो कुछ और ही बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस करेंगे। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो कॉमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सब कुछ क्लियरली बताने वाला हूँ, ठीक है। सो अगर कोई और इसके रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए कॉमेंट सेशन में पूछ लो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जब हम फर्स्ट ऐड बनाते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें आप जो है कलेक्ट कर लीजिए, देन आप क्या कर सकते हैं आगे जो ऐड बनाने की प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपको एक ऐड अकाउंट की, ठीक है, जो फेसबुक ऐड अकाउंट होता है वो, एंड इसके साथ आपको रिक्वायरमेंट होगी पेज की, ठीक है। ये दो चीज़ों को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको जो सेकेंड रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपको एक ऐड क्रिएटिव की, ठीक है, मतलब ऐड क्रिएटिव क्या होता है, पोस्ट, ठीक है, आपको एक पोस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। और थर्ड रिक्वायरमेंट होगी आपको जो है इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है मैंने बता रखा है अपने पार्ट नंबर 6 में, तो जाके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कैसे आपको इंटरेस्ट फाइंडिंग करनी है। आपको एटलीस्ट 10 आपके पास जो है इंटरेस्ट होने चाहिए, तब आप जो है प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। एंड जो फोर्थ रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपकी वेबसाइट से पिक्सल आपका कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। पिक्सल कैसे कनेक्ट करना है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं, शायद ये मैंने अपने पार्ट नंबर 5 में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब हम आगे प्रोसेस करते हैं, हमारे पास ऐड अकाउंट है, पेज है, हमारे पास ऐड क्रिएटिव है, इंटरेस्ट है, पिक्सल है, तो हम आगे जो है ऐड बनाने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस करने के लिए हम सिंपली ऐड अकाउंट रिक्वायरमेंट होगी, चलते सीधा हमारे ऐड अकाउंट पे। तो ये हमारा ऐड अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पिछले मतलब बोल सकते हैं ये हमारा ओल्ड अकाउंट है जिसमें हमने एक जो है सेल्स अच्छी जनरेट करी हुई है, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐड अकाउंट जिसमें सेल्स अच्छी जनरेट हमने करी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 170 यहाँ पे बाय हुए हैं, यहाँ पे 106 बाय हुए हैं,
एंड यहाँ पे 208 बाय हुए हैं, यहाँ पे 105 बाय हुए हैं और टोटल हमने 98,000 इस पर्टिकुलर एड अकाउंट में स्पेंड किए हैं। इससे हमारे पास 5-10 काफ़ी सारे ऐसे एड अकाउंट है जिसमें हम लोग अलग अलग कैंपेन रन करते हैं और अच्छा खासा सेल निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ बोलने के लिए बस नहीं है कि हमने 70 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, हाँ आपको प्रूफ दिखाना ही पड़ता है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमने प्रूफ आपको दिखा भी दिया कि यहाँ पे जो हमारा जो पर्टिकुलर सेल है वो इतने रुपए की सेल्स आ रही और अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे जो है कैंपेन्स आते हैं, इसमें आपको सेल्स का कैंपेन यूज़ करना है। सेल्स के बाद यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो भी चीज़ें हैं लाइक जैसा मैंने बताया था, और आप अगर आप मेरे फेसबुक ऐड की सीरीज़ फॉलो करते हो तो आपको पता भी होगा कि फेसबुक एड्स क्या होता है। ये हमारा कैंपेन लेवल है, ये हमारा एडसेट लेवल है, ये हमारा एड लेवल है। अब कैंपेन लेवल पे हम लोग क्या चूज़ करते हैं, CBO चूज़ करते हैं या फिर एबी टेस्ट चूज़ करते हैं। एडसेट लेवल पे हम लोग क्या करते हैं लाइक हमारा क्या गोल है, वेबसाइट में गोल है हमारा, देन नीचे यहाँ पे हमें कन्वर्जन चूज़ करना होता है। फिर यहाँ बजट हम ऐड करते हैं। बजट ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है ऑडियंस बनाते हैं, यही हमारा सबसे मेन पार्ट होता है ऑडियंस बनाने का, और इसको तो हम लोग ओपन में ही रखते हैं, मतलब सभी जगह हमारी ऐड दिखे, हमें सेल्स से मतलब है, ठीक है। इसको हमेशा ऑफ रखते हैं, एडवांस डिजिटल टारगेटिंग को हमेशा ऑफ रखते हैं। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे एज जो है टारगेट कर सकते हैं आप 22 से स्टार्ट कर सकते हैं। जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो 22 से अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। 22-65 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ऑल ओवर इंडिया ही करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कुछ बताने वाली ऐसी बात है नहीं जो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो आप जो है अगर आपको सीखना है फेसबुक एड्स तो मेरी फेसबुक एड्स सीरीज आपको आई बटन में आ रही होगी या डिस्क्रिप्शन में आपको सीरीज़ मिल जाएगी, फ्री है वो, पेड नहीं है, ठीक है। तो आप वो सीरीज आके देख सकते हैं फेसबुक एड्स सीखने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमें बजट डाल देना है, जो भी हम बजट रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 200 का बजट रखता हूँ। क्यों 200 का बजट, मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट कर लेना है, इसके लिए मैं एक टिप दे रहा हूँ, स्टार्ट डेट कब से करना है। जैसे कि अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है जो नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है, जो 23 आएगा हमारा, ठीक है। इस 23 को रात को मैं 2 बजे से हमारी आईडी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। 1 से लेकर 5 बजे तक के बीच कभी भी आप आईडी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप रात के 12 बजे के बाद ही ऐड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तभी वो ऐड अच्छी परफॉर्म करती है, वरना फिर आपके ऐड थोड़ा परफॉर्म करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे, देन यहाँ पे हमारा कस्टम ऑडियंस है, तो हमें कभी कोई कस्टम ऑडियंस नहीं बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम सिंपल जो है स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आप ये ट्राई कर सकते हैं कि सिर्फ मेल को टारगेट करें आप, ठीक है। ऑल से अच्छा है आप सिर्फ मेल को टारगेट करें, क्योंकि मेन सेलिंग वहीं से आती है, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी आपका आ रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट डाल सकते हैं। सो आपने जो 10 इंटरेस्ट लिए हैं, ठीक है, आपने जो 10 इंटरेस्ट लिए हैं, अगर आपको उन 10 इंटरेस्ट को टेस्ट करना है तब आप क्या कर सकते हो, इसमें 5 डाल दीजिए, एक और एड सेट बनाएंगे उसमें 5 डाल दीजिए, और एक और एड सेट बनाएंगे इसमें ओपन रख लीजिए। तो आप उसको एक स्ट्रेटेजी हिसाब से वर्क कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट यहाँ पे टारगेट कर लेंगे आप, ठीक है, इतना मैं समझ के चलता हूँ कि आप टारगेट कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी बात करता हूँ, फिर आगे हम जो है चीज़ें करेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपको करना क्या है, मान लीजिए चलो आपके पास 10 इंटरेस्ट आ चुके हैं, अब आपको इन 10 इंटरेस्ट टेस्ट करना है कौन सा बेस्ट है। तो एक काम करिए, एक कैंपेन बनाइए और उस कैंपेन में 3 एड सेट बनाइए, ठीक है। एक एड सेट ने 5 इंटरेस्ट डालिए, एक एड सेट ने 5 इंटरेस्ट डालिए, इसमें आप 0 इंटरेस्ट डालिए, मतलब ओपन रख लीजिए, ठीक है। मतलब कोई टारगेटिंग मत कीजिए, कुछ मत करिए, बस ओपन रख लीजिए, ठीक है। एंड इसमें आप 2 ऐड बना सकते हैं, ठीक है। हमेशा आप ट्राई करिएगा 2 से 3 ऐड बनाने का, सिंगल ऐड कभी ट्राई मत करिएगा, ठीक है, अगर बेटर रिजल्ट चाहिए तो। अब उसमें आप कलर चेंज कर देंगे, मेनली कलर ही चेंज करते हैं लोग, ठीक है। तो रेड रख सकते हैं इसमें, ग्रीन रख सकते हैं, सेम इसमें भी रेड रख सकते हैं इसमें, ग्रीन रख सकते हैं, सेम इसमें भी रेड और ग्रीन, ठीक है। ऐसे करके आप क्या करेंगे, एक ऐड बनाएंगे, एक ऐड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसको ऑन करना है CBO में, ठीक है। 1,000 rupees का CBO रख सकते हैं आप, या फिर 2,000 से भी रख सकते हैं, 1,500-700 रख सकते हैं, 700 मिनिमम है, इससे नीचे मत रखिएगा, 700 से ही आप CBO स्टार्ट करेंगे, ठीक है। CBO में इसको एक्टिव कर दीजिएगा, 100% जो बेटर परफॉर्मिंग रिजल्ट रहेगी वहाँ से आपको रिजल्ट अपनी स्टार्ट हो जाएगा। शुरू के 2 दिन आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ सकती है, या फिर 1 दिन आपको कॉस्टली पड़ सकती है, नेक्स्ट डे से आपको जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारी स्ट्रेटजी जिसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी काम करती है। पता नहीं आपके लिए वर्क करेगा नहीं करेगा, लेकिन हाँ मैं इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट से जनरेट करता हूँ, ठीक है। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको इस स्ट्रेटजी को कैसे एक्सपांड करना है, मतलब कैसे इसको बढ़ाना है, उसके ऊपर बात करूँगा। स्केल नहीं,
मैं इसको सिर्फ यही स्ट्रेटजी को कैसे एक स्टेप आगे बढ़ाना है जिससे आपके सेल्स और ज़्यादा बढ़ जाए और अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाए, कम से कम प्राइस में आपको रिजल्ट मिल जाए, उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी थी, इसको हम लोग बोलते हैं CBO की स्ट्रेटजी। फिर से आपको एक बार रिकॉल करें ताकि आप भूलें ना कि करना क्या है। आपको एक कैंपेन बनाना है, ठीक है। चलिए आपको लाइव करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइक ये हमारा कैंपेन था, ये देख सकते हैं एक कैंपेन हमारा, एक एड सेट है एंड एक ऐड है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको आपके ऐड बना लेना है, ठीक है। जो भी आपको ऐड सही लगे आप ऐड यहाँ से बना लें, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। एंड इसमें कलर चेंज कर लेना है, आपको इस सेकेंड वाले में कलर चेंज कर लेना है, ठीक है। ये आपका रेड कलर होगा तो ये आपका ग्रीन कलर कर लेना है आपको, ठीक। तो हो गया हमारा एक ऐड सेट के अंदर दो ऐड हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें इस आपने कर लिया पांच इंटरेस्ट में टारगेट कर लिया, ठीक है। फाइव इंटरेस्ट आपने टारगेट कर लिया, ठीक। इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट। अब ये देखिए हो गया डुप्लीकेट, ठीक है। अब इसमें सेकंड वाले में भी आपको पांच इंटरेस्ट टारगेट कर लेने हैं। अब आपको फिर से इसको डुप्लीकेट करना है, ठीक है। फिर से इसको डुप्लीकेट करना है आपको, यहाँ पे ये रहा डुप्लीकेट, ठीक है। अब आपको जो थर्ड वाला है उसमें ओपन टारगेटिंग करनी है। अब देख सकते हैं एक कैंपेन के अंदर तीन ऐड सेट और उसके अंदर दो दो ऐड आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप यहाँ पे पाँच पाँच दस इंटरेस्ट एक साथ रिजल्ट ला सकते हो, किसमें बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं किसमें नहीं आ रहे। इसको एक्सपांड कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि आपको एक जो है कैंपेन बनाना है। कैंपेन के बाद यहाँ पे आपको तीन एड सेट बनाने हैं, इसमें पांच आपको इंटरेस्ट डालने हैं, इसमें पांच इंटरेस्ट डालने हैं और इसको आपको ओपन रखना है, ये मैंने बताया हुआ था, ठीक है। अब आपको इसको एक्सपांड कैसे करना है, आपको इस एक्सपांड करने के लिए मान के चलो ये जो पाँच इंटरेस्ट है इसमें आपको रिजल्ट अच्छे मिले हैं, ठीक है। इसको ऑब्वियसली बात है आपने CBO में रखा होगा, ये पांच इंटरेस्ट में आपको रिजल्ट अच्छे मिले हैं, तब आपको करना क्या है, अब इसको करना है सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग, ठीक है। अब करना क्या है, सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग। अब होगा कैसे, चलिए इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक यहाँ पे फाइव इंटरेस्ट है, अब वो करना क्या है, एक कैंपेन बनाना है। एक कैंपेन के बाद यहाँ पे आपको बनाना है पांच एड सेट्स, ठीक है। और हर एक एड सेट में आपको एक इंटरेस्ट टारगेट करना है, ठीक है। सिर्फ एक इंटरेस्ट और कुछ भी टारगेट नहीं करेंगे। कौन से इंटरेस्ट रहेंगे, वो ये पांच इंटरेस्ट रहेंगे जिसमें आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। और सेम चीज़ें वही इसमें आप जो दो क्रिएटिव रखेंगे, जैसे मैंने बताया सेम दो क्रिएटिव रखें। बस यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि ये जो होगा वो आपका CBO में नहीं होगा, ये आपका होगा ABO में, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप पर्टिकुलर 200 रुपीस दे सकते हैं या फिर 300 रुपीस, ये टोटली आपके बजट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप इसको दे देंगे, अब इसके बाद क्या होगा, किसी में रिजल्ट आएंगे, किसी में नहीं आएंगे, किसी में आएंगे, किसी में नहीं आएंगे। जिसमें आ रहे हैं रिजल्ट आपको एटलीस्ट दो दिन देखने हैं, मतलब 48 आवर्स देखने हैं। जिसमें रिजल्ट आ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना है, नहीं आ रहे उसको बंद कर देना है, सिंपल, ठीक है। 48 आवर्स के बाद ही आप कुछ प्रोसेस करेंगे, उससे पहले कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर बजट है तब ये जहाँ पे जाइए, नहीं है तो बिल्कुल इसको ट्राई मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, पर एक इंटरेस्ट पर हिसाब से जो है ऐड रन कर देनी है और यहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे, बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि मान के चलो आपको इनमें से किसी ये इस हम इसको कलर चेंज करें थोड़ा सा, इस पर आपको इंटरेस्ट, इस पर रिजल्ट मिले एंड इस इंटरेस्ट में रिजल्ट मिले। अब आपको इस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है, मतलब स्केल करना है, ठीक है। और स्केलिंग की स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो मेरी आने वाली है, क्योंकि स्केलिंग की वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और लाइक इसमें मैं मर्ज नहीं करना चाहता उसको। स्केलिंग एक प्रॉपर मेथड है, मतलब प्रॉपर एक तरीका है जिसके थ्रू हम स्केलिंग करते हैं, मतलब अपने जो अभी तक हमारे 10 सेल आ रहे थे उसको 100 सेल में कैसे कन्वर्ट करना है पर डे का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और 10 भी नहीं, चलिए हम ज़्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 10 सेल आ रही है पर डे का, तो उसको 50 सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्केलिंग की वीडियो आएगी, लेकिन उसके लिए हम कुछ टारगेट करते हैं। अगर मेरे YouTube चैनल पे 8000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब वो वीडियो आएगी, उसके पहले वो वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। तो जितने लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर करो, जो भी करना है आपको अब करो, उसको 8000 कर देंगे आप लोग, ठीक है। 8 की अगर आप कर देंगे सब्सक्राइबर, देन मेरी स्केलिंग की वीडियो आएगी, जिस तरह से मैंने रिजल्ट लाए हैं उस तरह से मैं भी आपको रिजल्ट ला के दिखाऊंगा। अभी तक सब कुछ फ्री होने वाला है, तो स्केलिंग की वीडियो भी फ्री ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो बस उस 8K का वेट करते हैं, फिर मैं आपको स्केलिंग के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
सो अभी तक आपने इस सीरीज को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड और भी इसके ऊपर वीडियोस आएंगी, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स के ऊपर वीडियो आएंगी कि क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है, अगर मिस्टेक हो गई है तो कैसे उसको ठीक करना है, इसके ऊपर वीडियोस आएंगी। तो सीरीज को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल ही मत करिएगा। सो यहाँ पे हमने बताया इस पूरे वीडियो में कि CBO कैसे आपको एक्सपांड करना है, आपको CBO में जब 5 इंटरेस्ट रिजल्ट मिल गए हैं उसको आपको सिंगल सिंगल इंटरेस्ट में डाल देने हैं और उसको आपको एड रन कर देना है, ठीक है, और जिसमें आपको रिजल्ट मिल रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है, जिसको नहीं मिल रहा है उसको बंद कर देना, सिंपल, ठीक है। एंड इसमें रूल कैसे लगाना है, रूल किस तरह से हिसाब से लगाना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ सब स्केलिंग के अंदर। और स्केलिंग की वीडियो जो है बहुत बड़ी होने वाली है, ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग मेथड बताने वाला हूँ, एक मेथड काम नहीं करेगा सेकंड काम करो, सेकंड काम नहीं करेगा थर्ड काम करो, लेकिन स्केलिंग होती रहनी चाहिए, ठीक है, स्केलिंग होगी तभी आप रिजल्ट ला पाएंगे, वरना रिजल्ट नहीं ला पाएंगे, वरना आपको ग्रोथ को नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपना जो ऐड है वो बनाएंगे और वहाँ से रिजल्ट लाएंगे। तो आज ही मैं वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लाइक रिजर्वपे के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पेयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कैशफ्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कोई पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कर रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप कैसे फिलअप करोगे, तो वो भी आप फिलअप कर पाओगे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है गाइस, अगर रिजर्वपे का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम रिजर्वपे यूज़ कर रहे हैं, पे यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, ये हमारा कंडीशन डन है। और वेबसाइट तो हम बनाएंगे क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है, तो हमारे पास वेबसाइट हो गई। सेकेंड कैटेगरी, ठीक है, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करोगे, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो कैटेगरी क्या चूज़ करोगे, तो वहाँ पर आप चूज़ करोगे अदर, ठीक है, वहाँ पे चूज़ करोगे अदर कैटेगरी चूज़ करोगे और डिस्क्रिप्शन में आप लिखोगे आई एम सेलिंग माय ईबुक इन योर प्लेटफॉर्म, ऐसे करके आप इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखोगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर भी दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है अदर्स के अंदर कि आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, ठीक, कैटेगरी में आपको ये चीज़ें करनी है। सेकेंड चीज़, आपको रिक्वायरमेंट होगी आपके वेबसाइट में एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो, एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट, ठीक है, किसी के भी अप्लाई करो, रिजर्वपे, फ़ोनपे, रिजर्वपे, पेयू, पेटीएम, चाहे आप कैश फ्री ले लो, इंस्टा मोजो ले लो, कोई भी ले लो, एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए, तभी ये अप्रूव देते हैं वरना नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट, आपको पेजेस कौन कौन से लगेंगे आपकी वेबसाइट में, आपको फर्स्ट लगेगा प्राइवेसी पॉलिसी की पेज, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपको रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड आपको रिक्वायरमेंट होगा टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट आपको जो रिक्वायरमेंट होगा वो होगा रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें आप साफ साफ शब्दों में लिखोगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये इंस्टेंट डिलीवर हो जाता है, इस वजह से हम इसमें कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं रखते हैं। अगर आपके कोर्सेज हैं, आप कोर्सेज में रिफंड पॉलिसी देते हो तो बात अलग है, लेकिन किसी प्रोडक्ट में रिफंड पॉलिसी आपको नहीं देनी है, ठीक है, और आपको सीधे सीधे शब्दों में लिख देना कि हमारा कोई रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी नहीं है, ऐसा आपको मेंशन कर देना है। अगर आपको कोई इशू है तो नीचे आपका मेल दिया हुआ है, इस मेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और याद रखिए प्राइवेसी पॉलिसी आप जो है डिफ़ॉल्ट नहीं लेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी थोड़ा सा खुद से टाइप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि आपका डेटा जो है हमारे पास आएगा वो सिक्योर रहेगा, हम जो प्रोवाइड करें वो चीज़ सिक्योर है, आपकी सब चीज़ सिक्योर है, ऐसे करके आप खुद से यहाँ पे टाइप करके लिखेंगे तभी अप्रूवल मिलेगा एक बार में अच्छे से, ठीक है। अगर आप जाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर में तो अगर वहाँ से जनरेट करते हैं तो आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को मैंने कई बार देखा हुआ है, अप्रूवल मिल जाता है, काफ़ी लोग होंगे जिनको अप्रूवल मिल भी गया होगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए कॉन्टैक्ट अस का पेज, जिसमें आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए एंड आपका नेम होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, तभी अप्रूवल अच्छे से मिलेगी, एक बार मिलेगी, बाद में इसको आप हटा सकते हो लेकिन स्टार्टिंग में आपको हटाना नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग में हटाओगे नहीं आप, सिंपल फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, नाम आप यहाँ पे दोगे एंड एड्रेस भी अगर देना चाहो तो एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हो। हाँ, एड्रेस भी रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि एक मतलब कैश फ्री ने मुझे इशू किया था एड्रेस के लिए,
तो एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा। वही एड्रेस दोगे जो आप आधार कार्ड में दिए होगे या फिर जो आप पैन कार्ड में होगा, वही एड्रेस आप यहाँ पे पुट अप करोगे, ठीक है। बाद में चेंज कर सकते हो, लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं है तब तक आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, और जब तक अप्रूवल नहीं है तब तक आप ऐड भी रन नहीं करोगे, है ना। बाद में सब हटा देगा, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब हटा देते हैं हम लोग, रखते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको रिक्वायरमेंट होगी अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस, अबाउट अस में गाइस कोई भी डिफॉल्ट कंटेंट नहीं रखोगे, आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हो कंटेंट, कहीं से भी कंटेंट कॉपी करके ऐड कर लीजिए अपने में, लेकिन आपका कंटेंट होना चाहिए। जो वेबसाइट हम जब नया बनाते हैं तो उसमें लिखा होता है ना LEE ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है, तो वो कंटेंट हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अपना यूनिक कंटेंट, मतलब बोल सकते हैं अपना खुद का कंटेंट ऐड करेंगे अबाउट अस में। तो ये कुछ 5 पेज हैं जो रिक्वायरमेंट होती है जब हम रिजर्व पे के लिए या फिर पेयू के लिए या फिर कैश पे के लिए अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। और इससे आपका एक बार में अप्रूवल हो जाएगा। कैटेगरी आप अदर रखोगे, उसमें आप लिखोगे कि मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मेरे कोई ई बुक है जिसको मैं सेल करना है मुझे, और ई बुक का कोई कैटेगरी नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो मैं इसके रजिस्ट्रेशन शो नहीं कर पाऊँगा। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको, आपका अप्रूवल मिल जाएगा 100%। हो सकता है एक दो बार कुछ मिस कम्युनिकेशन की वजह से रिजेक्ट हो जाए, लेकिन हाँ आगे चल के फिर से अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट करोगे तो फिर से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है।